आज से 65 मिलियन साल पहले उल्कापिंड के टकराने की वजह से धरती की हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिससे डायनासोर के साथ साथ धरती की कुल 95% प्रजातियों का नामो निशान मिट गया। लेकिन समय के साथ धरती फिर से सामान्य होने लगी, फिर से सतह पर पेड़ पौधे और नए नए प्रजातियों ने जन्म लेनी शुरू कर दी। फिर 21 मिलियन साल पहले मियोसेन एपोक में द ग्रेट एपेप्टो कंसोल ने धरती पर जन्म ली जिसे इंसान और एपेस दोनों की पूर्वज मानी जाती है। लेकिन समय के साथ विकास का प्रक्रिया चलता रहा और चार पैरों पे चलने वाले प्रोकंसोल दो पैरों पे चलने वाले आर्थ्रोपोडस के रूप में विकसित हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एपेस की संख्या बढ़ रही थी जिससे खाने की कमी होने लगी। तभी ये पैरों से जमीन में उतरने लगे और कई हजारों सालों के विकास के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में इवॉल्व हो गए। लेकिन तब भी विकास का सिलसिला जारी रहा। फिर 2.3 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस नाम की प्रजातियां जन्म ली जिनमें पहली बार ह्यूमन जेनस पाई गई जिन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर 1.6 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए जिन्होंने पहली बार आग का इस्तेमाल करना सीखा और फाइनली लाखों करोड़ों साल के इवोल्यूशन के बाद होमो सेपियन बने, होमो सेपियन यानी हम, और यही विकास का आखिरी क्रम था।